नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मातृपास लोग भी बन सकते हैं शारीरिक शिक्षक। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जांच करेंगे जिला उद्योग केंद्र। बिहार के लाल ने ब्राजील में किया कमाल। 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा हुई खत्म, 7 मई से होगी कॉपियों की जांच। देश सहित राज्य में कोरोना संक्रमित मामले में उतार चढ़ाव बरकरार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैट्रिक पास लोग भी बन सकते हैं शारीरिक शिक्षक। बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की बहाली के लिए मैट्रिक पास अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य उपदेशकों की नियुक्ति के लिए घोषित स्केड्यूल के तहत अधिकतर नियोजन इकाइयों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने 2012 की नियमावली अमान्य कर दी थी। इसमें अभ्यर्थी परेशान थे, इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक पात्रता परीक्षा 2019 की नियमावली में निर्धारित अर्हताएं भी मान्य होंगी। अब 10वीं पास अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह कम से कम मैट्रिक पास उत्तीर्ण और भारत के किसी भी राज्य के पात्रताधारी व्यक्ति इस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में पात्र माने जाएंगे। इसके लिए बीते दिन शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। बिहार का मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में सुबह झमाझम बारिश देखने को मिली। चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। राजधानी पटना में भी बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि आंधी की वजह से आम लीची के फसलों को जरूर नुकसान हुआ है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और शेखपुरा के अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के तापमान में अगले 2 से 3 दिनों तक कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। 3 दिन के बाद प्रदेश के तापमान में इजाफा होगा। मौसम विभाग की माने तो एक ट्रफ लाइन पंजाब से बांग्लादेश तक, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ से गुजर रही है। इसलिए इन सभी इलाके में मौसम बदल गया है। 29 ITI कॉलेज का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज करीब 2000 करोड़ की लागत से बने भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 29 ITI कॉलेज भी शामिल है, जिस पर कुल 417 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विभिन्न विभागों के 2000 करोड़ रुपए से अधिक के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास ऑनलाइन माध्यम से किया। सीएम 16 विभागों के 118 भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते देखे गए। वहीं 16 विभागों के 56 भवनों का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास भी किया। 29 ITI कॉलेज के उद्घाटन के बाद युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से इन सभी का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ भवन निर्माण मंत्री और कई विभाग के मंत्री, सांसद, विधायक और विधान पार्षद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जांच करेंगे जिला उद्योग केंद्र। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुदान लेकर कारोबार खड़ा करने की प्रगति की जमीनी जांच का जिम्मा जिला उद्योग केंद्र यानी कि DIC को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुदान की पहली किश्त पाने के बावजूद काम को आगे नहीं बढ़ाया गया है, ऐसी शिकायत सामने आ रही है। इसके लिए जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों को कहा गया है कि बताए गए स्थल पर जाकर इसकी जांच पड़ताल करें और वहां किस तरह की गतिविधि चल रही है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के तहत अनुदान की शुरुआती किश्त लेने के बाद भी ना तो किसी तरह के शेड का निर्माण किया गया था और ना ही किसी उपकरण की खरीद की गई थी। इस कारण आगे के किश्तों के भुगतान रोक दी गई है। बिहार के लाल ने ब्राजील में किया कमाल। आए दिन बिहार से निकलकर कोई ना कोई टैलेंट राज्य और देश से बाहर जल में बिखेर रहा है और देश विदेश में नाम कमा रहा है। इस बीच बिहार के हाजीपुर के रहने वाले ऋतिक आनंद ने ब्राजील जैसे देश में तिरंगा फहराया है और उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। ऋतिक ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगा लहराया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में टीम इवेंट में ही पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। इस मैच में ब्राजील, चीन, टर्की, फ्रांस को हराने के बाद फाइनल मैच में जापान को हराकर ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक हासिल किया। जीत की खबर सुनते ही ऋतिक आनंद के घर पर भी जश्न का माहौल है। देश के किसी भी अस्पताल में बिहार के आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज की उठाई गई मांग। बिहार के आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज देश के किसी भी अस्पताल में हो, इसकी मांग के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग आगे आएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और कार्यपालक निदेशक संजय सिंह गुजरात के हैं। इस शिविर में बिहार सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करेगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अस्पताल हैं वहां पर बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हेल्थ कार्ड के माध्यम से बिहार के लोग जहां भी चाहे वहां पर मुफ्त इलाज की सुविधा उन्हें मिल सके। इसके साथ ही बिहार में संक्रमित मरीजों के बीच पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दवा किट के वितरण की जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर साझा किए जाने की बात भी कही गई।
गई है। मठ मंदिर की बेची हुई जमीन भी होगी वापस। बिहार के मठ मंदिर के जमीनों का बेचने का अधिकार मंदिर के सेवक को ना हो, इस पर कानून बनाया जाएगा। इसके साथ ही मठ की जमीन नहीं बिकेगी और बिकी हुई जमीन की वापसी होगी, इसका भी प्रावधान किया जाएगा। राजस्व विभाग अवैध कब्जे से ऐसी जमीन खाली कराएगा। मठ मंदिरों की जमीन को कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, इसकी सूचना राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत रॉय ने दी है। बीते दिन भूमि सुधार मंत्री राम सूरत रॉय ने ये बातें पत्रकार के साथ बातचीत में कही। सोलर सिस्टम की चोरी के बाद पीएचईडी ने 18 जिलों में शुरू की जांच। बढ़ती गर्मी को देखते हुए पशुओं को पानी पिलाने के लिए गांव में कैटल ट्रफ लगाए गए थे, जिसमें सोलर सिस्टम उपयोग किया गया था, जिस पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है और करीब 2 दर्जन के आसपास सोलर सिस्टम चोरी हो गए हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग ने करीब 24 जिलों में जांच शुरू कर दी है। इसका जिम्मा जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया गया है। आपको बता दें कि पशुओं के लिए कैटल ट्रफ बनाने में करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आया था। चोरी होने के बाद तब पता चला जब पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान कैमूर और रोहतास जिले के दौरे पर थे। ये समस्या सिर्फ कैमूर या रोहतास जिले की नहीं है, अधिकांश जिले में चोरी की समस्या है। इसके मद्देनजर पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, नालंदा, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सहरसा और सारण जिले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा हुई खत्म, 7 मई से होगी कॉपियों की जांच। बिहार बोर्ड 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा का कल अंतिम दिन था। इस परीक्षा में राज्य के 105 परीक्षा केंद्रों पर 46,988 परीक्षार्थी के लिए 25 अप्रैल से 4 मई तक परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही अब 7 मई से 9 मई तक 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू किया जाएगा। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए पटना, नालंदा, वैशाली और दरभंगा जिले में केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही आज से बीएसईबी द्वारा बिहार मैट्रिक कंपार्टमेंट कम स्पेशल एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षाओं के लिए छात्रों को 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड भी दिया जाएगा। ऑपरेशन प्रहार से पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता। बिहार में 2016 से ही शराब पर बैन है, लेकिन कुल 6 सालों में भी ये सही मायनों में सफल नहीं हो पाई है। आए दिन शराब बरामद किए जाते हैं और शराबी पकड़े जाते हैं। हालांकि सरकार इसको लेकर सख्त है और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए नए नए हथकंडे आजमाती भी है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था, जिससे इसे काफी सफलता भी मिली है। आपको बता दें कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अप्रैल महीने में 8,859 गिरफ्तारी की है। वहीं शराब के धंधे पर लगाम लगाने के लिए एंटी लीगल टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। एएलटीएफ द्वारा अप्रैल में करीब 1,59,324 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। वहीं 1,877 शराब की भट्टियां भी ध्वस्त हुई हैं। अब पर्यटन स्थलों से भी हटेगा अतिक्रमण। राज्य के कई सार्वजनिक स्थानों पर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार ने कई सार्वजनिक स्थलों पर बुलडोजर भी चलाई है। ऐसे में अब सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ पर्यटन स्थलों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के कई पर्यटन और पुरातात्विक स्थलों पर अतिक्रमण करने की शिकायत मिल रही है। शिकायत के बाद ही पर्यटन और कला संस्कृति विभाग ने सभी डीएम को अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने को लेकर दिशा निर्देश भेजा है। विभाग ने कहा है कि सभी अतिक्रमित स्थलों की पहचान कर रिपोर्ट विभाग को सौंपे, ताकि इसके आधार पर अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया जा सके। इसके साथ ही जिलों को यह कार्रवाई आने वाले 4 महीने तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाने से किया इनकार। देश के बड़े राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक बिहार के प्रशांत किशोर का पार्टी बनाने का चर्चा जोर शोर से राजनीति की गलियों में हो रहा था, जिससे अन्य पार्टियों के होश उड़े हुए थे। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर आज प्रशांत किशोर ने इन चर्चा पर पूर्ण विराम लगा दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को नई सोच की जरूरत है। बीते 30 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार के शासन में बिहार का विकास नहीं हुआ है, वो पिछड़ा राज्य बना हुआ है। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ आना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 से 4 महीने में मैं बिहार के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलूंगा, जो जन सूरज के विचार को बनाने में मदद कर सकते हैं और उन्हें इसका हिस्सा बना सकते हैं। 2 अक्टूबर गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पूरे बिहार में 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। सैनिक पेंशन को लेकर सुशील मोदी ने किया राहुल गांधी पर पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई 3-स्टार अधिकारी सहित सैकड़ों पूर्व सैनिकों को पेंशन नहीं देने को लेकर राष्ट्र का अपमान करने का आरोप लगाया। इसको लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की, जिससे लगभग 33 लाख पूर्व सैनिकों को लाभ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया और इसके विरुद्ध दायर याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस ने लगातार सत्ता में रहने के बाद भी वन रैंक वन पेंशन योजना लागू नहीं की थी, इसलिए राहुल गांधी को सैनिक के सम्मान और पेंशन पर बोलने का कोई हक नहीं है।
देश सहित राज्य में कोरोना संक्रमण मामलों में उतार चढ़ाव बरकरार। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 44 हो गई है। बीते दिन जारी किए गए 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 63,729 सैंपल की जांच की गई, जिसके बाद राज्य में 6 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 6 मामले राजधानी पटना के ही है। अन्य जिलों में कोरोना के मरीजों की पुष्टि नहीं हुई। वहीं देश भर की बात करें तो गुरुवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए हैं, जहां 55 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 19,719 हो गई है। वहीं 3,010 लोग ठीक होकर इस दौरान घर वापस भी लौटे हैं। सहवाग ने बताया, जडेजा को कप्तान बनाना सीएसके की गलती थी। चेन्नई सुपर किंग्स को बीते दिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 13 रनों से मात खानी पड़ी। इसके साथ ही 4 बार के आईपीएल विजेता रहने वाली चेन्नई सुपर किंग्स भी मुंबई इंडियंस की तरह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। चेन्नई की हार के बाद भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लगता है शुरुआत में रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाकर सीएसके ने गलती की। उन्होंने कहा कि अगर धोनी शुरू से ही कप्तान बने रहते, सीएसके इतने मैच नहीं हारती। क्रिक बस पर बात करते हुए सहवाग ने कहा कि उन्होंने पहली गलती सीजन की शुरुआत में की, जब उन्होंने घोषणा की कि धोनी कप्तान नहीं करेंगे और जडेजा टीम के नए कप्तान होंगे। ये एक गलत फैसला था। इस टीम का कोई प्लेइंग 11 तय नहीं था और यही सीएसके की हार की वजह बनी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है पॉल प्रतीक्षा, कुश कुमार यादव, मंटू कुमार वर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, कविता कुमारी, संजीत कुमार सुमन, शंकर मुखिया, रोशन कुमार, विकी कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पर्यटक स्थलों पर सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।